बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जैनी इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आज फिर से एक मज़ेदार सी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने पूरे दिन की रूटीन, जो भी जो है ना रूटीन होती है डेली की मेरी। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप में से कोई दोस्त चैनल पे नया है तो फटाफट से मेरे चैनल को फॉलो कर ले, और इंस्टा पे भी मेरा पेज है इसी नाम से, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो उठ के नमाज पढ़ के कुरान पाक पढ़ के मैंने आना होता है बोची खाने में। बोची खाने को खोलना होता है, आके आटा छान के यहाँ पे रखना होता है। सुबह टाइम जो है ना आटा अम्मी जी खुद गूंथते हैं, ये मैंने रख दिया है। अम्मी जी भी नमाज पढ़ के कुरान पाक पढ़ के बाहर को गए हैं चक्कर लगाने, तो आके वो जो है ना आटा गूंथेंगे। आटा रखने के बाद मेरा काम होता है दही की बनानी होती है लस्सी, यानी कि मक्खन निकालना होता है, लेकिन आज जो है ना दही थोड़ा है तो ये बस खाने के लिए है, तो लस्सी मतलब के मक्खन हम नहीं निकालेंगे। और उसके बाद बारी आती है चूल्हों की, ये रात के गंदे हुए होते हैं, आज तो खैर ज्यादा ही गंदे हैं, तो चूल्हे से निकालनी होती है मैंने ये साज से कहते हैं। और मीज भी जो है ना आ गए चक्कर लगाते हैं। साह निकाल के यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा दी है। अब्बू लोग सुबह सुबह डाल रहे हैं जानवरों को चारा, यानी कि जानवरों का नाश्ता। ये इधर ही फेंक देते हैं, यहाँ से सारा कूड़ा इकट्ठा करके नहीं बाहर ले जाते हैं। और अभी यहां से लेंगे हम पाथियां। पाथियां लकड़ियां मैंने ला के रख दी हैं, और आग जो है ना आटा गूंदने के बाद अभी अम्मी जी खुद लगाने लगे हैं, क्योंकि अम्मी कहते हैं अगर मैं जलाऊं ना, यानी ये मैं री नहीं करूं, तो बाद में पाथियां ज्यादा जलानी पड़ती हैं। जब तक अम्मी जी आग जलाते हैं तब तक जो है ना हम दूसरी चीजें पास रखते हैं। चूल्हों को इग्नोर करना है, क्योंकि कल दोपहर टाइम इस पे खाना बना था तो रात को उस पे, इसलिए गंदे हैं सुबह टाइम। अभी ये बर्तन है थोड़े से धोने वाले, ये धोने हैं क्योंकि नाश्ता करना है। माशाल्लाह सूरज भी तलू हो रहा है हमारे काम करते करते। और नाश्ता बनना शुरू हो गया, अभी जिस जिसने खाना है ना यहाँ पे ही बैठ के आके खाते जाएंगे बारी बारी से। और मानो यहाँ पे नींदें पूरी कर रही है चूल्हे के अंदर बैठ के। आमिश जो है ना मस्जिद से वापस आ गया और आते शोर। क्या पाव मेरे लिए। नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना यहाँ पे बर्तन धोए थे, बर्तन धोने के बाद पानी आया था, पानी भर के रखा, यहाँ की सफाई की, पोछा वगैरह लगाया, मिस्त्री कर रहे हैं अपना काम। कमरों की सफाइयाँ बिल्ली कर गई थी तो दूसरे सारे काम खत्म करके ना अभी लगाई है मशीन। कपड़े काफी हो गए हुए थे धोने वाले।
कपड़े जो है ना धो लिए हैं और टाइम हो गया है 11:15 का, तो अभी बनाने लगे हैं जी दोपहर का खाना। हंडिया में आज हम बनाएंगे आलू और टिंडिया। ये रही जी माशाल्लाह टिंडियां, एक टिंडे होते हैं ना, तो ये हैं टिंडियां, आलू और टिंडियां बनेंगी। मानो को जो है ना मेरी भांजी तंग कर रही है। तड़का वगैरह भून के वही सिंपल मसाले नमक मिर्च ही शामिल किए, टमाटर और सब्ज़ मिर्च के साथ आलू शामिल कर दिए थे। 5 मिनट के लिए आलू की भुनाई की है, अभी जो है ना शामिल कर लेते हैं टिंडियाँ। अच्छे से मिक्स करते हैं, पहले आलू की ना अकेले ही तकरीबन 5 मिनट के लिए भुनाई कर लेनी है, अभी अच्छे से मिक्स करके दोनों की भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हमें बुनाई करते हुए, पानी ऐसे नहीं ज़्यादा शामिल किया, साथ साथ जो है ना हल्का हल्का पानी का छींटा दे रही हूँ, और ऐसे ही हल्का हल्का छींटा दे के ना बुनाई करके भी हम पकाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे। तो फ्लेम जो है ना मीडियम ही रखेंगे, मज़े की बनेंगे ऐसे बनाएंगे ना बुनाई करते करते, और साथ पानी का हल्का हल्का छींटा। अभी मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई करेंगे, उसके बाद ऊपर ढक्कन दे के फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे, और दम के साथ ही जो है ना ये पक जाएगी। टाइम हो गया 12:05 है, हंडिया को मैंने यहाँ पे दे दिया दम। धूप काफ़ी तेज़ लगी हुई है, तो जो कपड़े खुश्क हो गए हुए हैं ना, जब तक हंडिया को दम दिया, आटा मैंने पहले ही गूंद लिया था, तो कपड़े जो है ना उतार के रख देते हैं अंदर। ड्राई भी किए थे तो इसलिए फटाफट से हो गए हैं। हंडिया हमारी पक गई है, अभी जो है रोटियां सिस्टर को बोला है कि वो पकाएं, क्योंकि मैं यहाँ पे करने लगी थी हमजा के कपड़े प्रेस, ये धोए थे अभी, तो उसने जाना था खत्म पे, गेहूं जो खत्म है, तो वो कह रहा था प्रेस कर दो, तो इसलिए रोटियां जो है मैंने सिस्टर को बोला है। अम्मी भी चले गए हैं उनके घर, तो पहले अब्बू जी के किए हैं, पहले अम्मी जी के किए फिर अब्बू जी के, अभी हम जाने कह दिए हैं कि मेरे भी करो, मैंने भी जाना है, तो अभी फटाफट से इससे कपड़े प्रेस करके देते हैं। सलवार होगी प्रेस, नाला खुद पाओ फटाफट, जा चुके कोई ना ये है जी हमारा सालन आलू टिंडियों का, चूल्हे से उतार के हमने ऊपर धनिया शामिल कर दिया था, सब्ज धनिया। टिंडियां तो घुल गई हैं, मजे का लग रहा है सालन, थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया था सुबह वाली रोटी के साथ, पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं था किया बुनाई करते हुए, साथ साथ छींटा दिया था, और टिंडियां जो है ना पानी छोड़ती हैं हल्का हल्का सा। खाना मिस्त्रियों को दे दिया, खा रहे हैं वो, और अभी जो है ना रख दिया उनके लिए ऊपर चाय। टाइम हो गया जी 1:40, खाना वगैरह दोपहर का सब ने खा पी लिया, मिस्त्रियों ने भी घर वालों ने भी सब ने, और मैंने यहाँ पे सुबह की दूसरी हाँ तीसरी दफ़ा यहाँ पे झाड़ू वगैरह जो है ना लगा के साफ कर दिया, क्योंकि खाना वगैरह तो हो गया था,
और बर्तन यहाँ पे मैंने जमा करके रख दिए हैं। बिली स्कूल से आएगी, खाना खा के वो धोएगी, दोपहर के बर्तन वो धोती है। वैसे वो उसके मूड पे डिपेंड करता है कि वो धोएगी कि नहीं। हमारे मिस्त्री भी लगे हैं, वो हमसायों के भी लगे हुए हैं, दीवारें बना रहे हैं वो। तो 1:40 हो गए हैं। तो सुबह से जब से मैंने वीडियो शुरू की है ना, साथ में काम शाम दिखा रही हूँ रूटीन, तो 1 मिनट भी हो ना, 1 मिनट या सेकंड, वो भी अभी तक जो है ना फ्री नहीं बैठे अभी तक। भांजी मेरी ने सुसु कर दी है, अभी जो है ना इस पे लगाने लगी हूँ मैं प्रोली। आमिश खाना खा के ना आज तो सो गया। असल ची के ना कल ची असल ची सोइया। गांव में शादी हुई है मोहल्ले में, तो उनके घर से आए हैं जी ये रसगुल्ले और रसगुल्ला और गुलाब जामुन। टाइम अभी हो गया 5:45 का। मिस्त्री जो है ना हमारे भी छुट्टी कर गए हुए हैं 4 बजे के, और मसायों के भी जो है ना छुट्टी कर गए हैं। तो मैं तब जो है ना सो गई थी तकरीबन 1.5-2 घंटा जो है ना मैं सोई ही थी। अभी उठ के ये पौने धोए हैं, यहाँ से फिर ये साफ किए हैं चूल्हे वगैरह, और पानी आया था फिर पानी जो है ना बढ़ के रखा है। और आज का सूरज माशाल्लाह गरूब होता हुआ और मजेदार सा सीन, परिंदे भी अपने घरों को आहिस्ता आहिस्ता वापस जाते हुए। रात के लिए हंडिया बनाने के लिए ली थी गोभी, लेकिन यहाँ पे सालन दोपहर वाला अभी था, क्योंकि आज इतनी ज्यादा रोटी नहीं थी खाई गई दोपहर टाइम। तो फिर मैंने कहा चलो गोभी रख देते हैं, सुबह बनाएंगे, सालन है तो हंडिया रहने देते हैं, रोटियां बना लेंगे। और जब खाना शुरू हो जाता है ना, तो फिर ऊपर वाले ढक्कन की कंडीशन ये हो जाती है, ये चम्मच रख रख के ऊपर। हाँ जी क्या कहना जैनो को? रोटी अभी बनने लगी है। अभी आ गए हैं जी दूध वाले, दूध लेने। तो ये भैंस का, भैंस का लेते हैं 1 किलो, और बाकी जो है ना रखते हैं गर्म करने के लिए। अपने लिए रख दिया चूल्हे पे। और ये टाइम हो गया 6:45 का, यानी 7 बजने में अभी 15 मिनट हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारे गांव में लाइट चली गई है, तो हर तरफ जो है ना देख रहे कोई रोशनी नहीं, कहीं कहीं पे आ रही है नज़र, वो उनके घर होगा सोलर सिस्टम या फिर UPS। वो एक गांव है सामने, उधर मेरे ख्याल में है, वहाँ पे रोशनी नज़र आ रही है घर में लाइटें जो है ना उनकी। और वो सामने थोड़ी सी मस्जिद में, माशाल्लाह आसमान भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, चांद भी निकला हुआ है, हल्के हल्के सितारे भी जो है ना नज़र आ रहे हैं। बाकी गुप अंधेरा ही है, हमारे घर में भी चूल्हे के पास बैठ के खाना वगैरह जो है ना खा रहे हैं। दूध मैंने गर्म कर लिया था, अभी चाय रख के आई हूँ। तो मेहमान भी आए हुए हैं, तो वो सारे बैठे हुए हैं अंदर। नीचे अभी मैं जा ही रही थी, तो माशाल्लाह लाइट भी जो है ना तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद आ गई, 2 दफा गई है लेकिन जल्दी ही आ गई है। लाइट आ गई है, तो अभी जो है ना मोबाइल चार्जिंग पे लगा लेते हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी जो है ना 59% रह गई हुई है। यहाँ पे रख देते हैं। ये है जी हमजा का दूध, हमजा के लिए दूध, और ये चाचा पेंडू की चाय, उठो पीवो, लिफ्ट तो कोई नहीं आजकल, फिर भी चाह तो पीवो। फार लो मेरा हाथ, सार चल रहा है, चलो फार लो फार लो। एंड वाला काम जो होता है जाग लगाने वाला, वो यहाँ पे मैंने लगा के रख दी है। दूध थोड़ा ही था, तो लगा के जो है ना मैंने आटे वाली मट्टी में देज की रख दी है,
तो सारे जो है ना खाना वगैरह खा के चाय दूध शूध पी के चले गए अंदर। पहले चूल्हे के पास बैठे हुए थे, लाइट नहीं थी, है शोर काफी मतलब कर रहे थे। अभी अंदर जाके जो है ना लगे हुए हैं सारे। तो बर्तन जो दोपहर वाले बताया था ना कि बिल्ली ने धोने हैं, वो भी मूड पे डिपेंड करेगा, तो वो जो है ना अम्मी जी ने धोए थे, बिल्ली ने नहीं थे। तो अभी भी अम्मी जी ने बोला है कि अंदर जाने से पहले बर्तन धो देना, हम सुबह से थके हुए हैं, 9 बजे बिल्ली चली गई है चाय शाय पी के अंदर, तो ये भी धो लूंगी मैं। और उसके बाद दिल किया तो मैंने यहाँ पे बैठ जाना है, वो पीरी रख के, अगर मतलब बाहर ठंड ना हो तो बाहर चूल्हे के पास बैठ जाना है। तो अगर एक दफा बैठ जाना है, फिर मेरा दिल करना कि मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो एडिट कर लूँ और करके फिर जो है ना अंदर जाऊँ। अगर बाहर बैठना है ना, फिर बाहर दिल भी नहीं करना, अपने को सब चले जाते हैं अंदर, तो बाहर यहाँ पे चूल्हे के पास बैठ के दिल करता है कि चलो अभी यहाँ पे बैठी हूँ तो यहाँ पे बैठ के वीडियो जो है ना एडिट करके तो जो है ना अंदर चली जाऊँ। ज्यादा जो है ना मैं यहाँ चूल्हे के पास बैठ के, या फिर अगर बाहर जब ठंड होती है ना सर्दियाँ, यहाँ पे जाग वगैरह लगा के यहाँ पे जो है ना वो पीरी चौकी जो भी कहते हैं चेयर कह लें रख के, तो यहाँ पे बैठ के करती रही हूँ। तो जिस दिन मैं ज्यादा थकी होती हूँ ना, उस दिन मैं जाके बिस्तर में बैठ के कर लेती हूँ, आधी यहाँ आधी अंदर ऐसे ही। तो फिर अभी क्या करना है, वही कंडीशन देखने जो सुबह सुबह दिखाई थी इस एरिया की, वही हो गई है। सुबह उठ के फिर वही डेली के काम, सेम रूटीन जो भी काम होगा। तो अभी जो है ना खाना, अभी तो खाना नहीं खाया, दोपहर टाइम खाया था मैंने, तो चाय भी अभी नहीं पी, दूध भी नहीं पिया अभी, मतलब कुछ नहीं, भूख वगैरह जो है ना नहीं है। अभी सारा मेरा काम हो गया ख़त्म, बस वो बर्तन धोने हैं, उसके बाद जो है ना वीडियो एडिट करनी है थोड़ी सी करूँगी, नहीं तो वो मेहमानों के पास बैठेंगे, नहीं तो थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो है ना सो जाएंगे। और सुबह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर उठ के वही हमारे काम धंधे जिंदगी के। और अभी टाइम हो गया जी 8 बजने में, अभी 10 मिनट है, बिस्तर हमारा लग गया। पहले हम अंदर सोते थे, आज चारपाई बाहर बरामदे में जो है ना रखी है, दो रखी है, सिस्टर जो आई है उसने सोना है और साथ जो है ना मैं सोऊंगी बांजी को लेके। अंदर रात को मच्छर भरा लड़ा है इसलिए बाहर सोएंगे। आप चलो नमाज पढ़ने, ड्रामे नहीं करो, काटता होगा तुम्हारी तरह। हसना तो जा नमाज पढ़ ना। हसना ही नहीं, हमने बोला नहीं कुछ भी, आप जा सकते हैं नमाज पढ़ने जाए। पर्दा आमिश आगे कर गया और लाइट जो है ना बंद हो गई है, तो अभी जो है ना हम लगे हैं सोने, क्योंकि आज बहुत थकावट हो गई है, फुल टेरी पापा हुई है आज सारा दिन।